कोलकाता के हामिद अजीज सफी पश्चिम बंगाल के कई लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजी। हामिद अजीज अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए से उन लोगों की मदद करते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 साल पहले सफी ने अपने पिता हैदर अजीज सफी की डेथ एनिवर्सरी पर हैदर अजीज सफी करियर डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की। हैदर अजीज सफी ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने और लगभग 60 साल तक रहे। हैदर अली सफी ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने और लगभग 7.5 साल तक MLA रहे। हफीज सफी के पिता का इंतकाल 2018 में हुआ और लोग आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। कोलकाता के सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया। आज उनका करियर 1600 स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है जबकि ई एजुकेशन सेंटर में 80 और दूसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं। ये सेंटर उल्बेरिया में ताजमहल लाइब्रेरी में है। ये वही जगह है जो उनके पिता को बेहद खास था। लाइब्रेरी ताजमहल ग्राम विकास केंद्र की सहायक कंपनी है। दोस्तों और लोकल लोगों की मदद से शुरू की गई ये लाइब्रेरी IIT, JEE, NEET, CAT जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को महंगी किताबें फ्री में देती है। उल्बेरिया में मुस्लिम आबादी काफ़ी है और उनमें से ज़्यादातर लोग महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते और इसलिए युवा बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हामिद अजीज का सेंटर बहुत बड़ा काम कर रहा है। हामिद सफी ने स्टूडेंट्स को लैपटॉप, इंटरनेट और वर्चुअल कोचिंग तक पहुंच देने के लिए अपनी ई एजुकेशन सेंटर बनाया जिसमें वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। पिछले साल उन्होंने समुदाय में डिजिटल डिवाइड को बांटने के लिए 2 डिजिटल लिटरेसी सेंटर्स खोले। ये सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस और असिस्टेंस देते हैं, खासकर फॉर्म भरने में और उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी से जूझते हैं।